आर्थिक संकट से देश का बुरा हाल, आज फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी भी होंगे शामिल। रेगुलेटर्स की समस्याओं को लेकर होगी चर्चा। इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग और आर्थिक सुधार पर भी होगा फोकस। रिकवरी को लेकर उठाए जाने वाले कदमों पर भी होगा मंथन। मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का पीएम मोदी और मॉरिशस के पीएम प्रवीण जगन्नाथ आज करेंगे उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे दोनों देशों के गणमान्य लोग। भारत के सहयोग से किया गया है सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का निर्माण। राजस्थान में गरमाया सियासी पारा। विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को राज्यपाल कलराज मिश्र ने फिर ठुकराया। राज्यपाल की मनमानी के खिलाफ आज कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। बाबरी विध्वंस मामले को लेकर कोर्ट में हो रही है रोजाना सुनवाई। सभी आरोपियों के बयान दर्ज होने के बाद आज बचाव पक्ष पेश करेगा अपनी सफाई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी ने सभी आरोपों से किया है इनकार। कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लेकर अडिग कर्नाटक सरकार। मुश्किल दौर के बीच भी येदुरप्पा सरकार अपने फैसले से पीछे हटने को नहीं तैयार। कहा, छात्रों के भविष्य से नहीं किया जा सकता खिलवाड़। सरकार के फैसले खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी करेगी प्रदर्शन। हिमाचल में जयराम सरकार की कैबिनेट बैठक आज। पूर्णबंदी को लेकर हो सकता है मंथन। प्रस्तावित बैठक में शिक्षकों के तबादले को लेकर भी किया जा सकता है विचार। उत्तराखंड के हालातों पर घिरी त्रिवेंद्र सरकार। आज रुद्रपुर के दौरे पर जाएंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। जनता से करेंगे मुलाकात, लोगों से जानेंगे उनका हाल। मोदी राज में बर्बाद हुई विमान कंपनियां। आज होगी इंडिगो की बोर्ड मीटिंग। फंड जुटाने के विकल्पों पर होगा विचार। कंपनी में की जाएगी 10% कर्मचारियों की छटनी। मुंबई लोकल ट्रेनों में आज से अनिवार्य होगा QR कोड ई पास। एक बार QR कोड जनरेट होने के बाद आवश्यक वर्कर्स को स्टेशनों के प्रवेश द्वार पर QR कोड स्कैन करने होंगे। विश्व कप क्रिकेट में जगह पक्की करने के लिए आज से शुरू होगी जंग। वर्ल्ड कप सुपर लीग का हो रहा है आगाज। इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच होने वाले वनडे सीरीज से शुरू होगी वर्ल्ड कप सुपर लीग। जबरदस्त मुकाबले में 13 टीमें लेंगी हिस्सा।